बस रुकना नहीं है, रुक गए ना थम गए ना बस वहीं पे ठप्पर जाओगे, बस जंग लग जानी है। चलते रहो बस चलते रहो, कभी तो आगे जाओगे, ये तो कभी तो मंजिल पार होगी। नमस्कार मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? हम सबसे पहले अपना नाम बता दो आप। जी मेरा नाम पूजा है। अच्छा, और आप कितने टाइम से लगा रहे हैं यहाँ पे? हमें यहाँ पे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए आपके साथ? और कौन कौन लगाता है? मेरी छोटी सिस्टर है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। आपका नाम पिंकी है, आप इनके साथ में अभी से हैं, स्टार्टिंग से ही थे? फर्स्ट डे से ही हैं, दोनों का ही स्टार्टअप है एक तरह से, हम दोनों को करना था, पहला दिन था, पहले दिन खड़े थे। हाँ तो मैम आज क्या क्या लगा रखा है आपने? आज हमारे पास है राजमा और बैंगन का भरता और राइस, प्लेन राइस, और जो मेन हमारा है बिरयानी, वो तो बिकता ही है हमारा डेली। अच्छा अच्छा, तो सारा घर से बना के लाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल होममेड फूड है ये। हाँ तो मैम जैसे आपने बताया 3 महीने से आप काम करो, इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं वैक्सीनेशन में जॉब करती थी। कोविड वैक्सीन? जी बिल्कुल। क्या बात है। टीके लगाए जाते थे, मैं उसमें एक छोटी सी टीम में काम किया करती। हाँ जी हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट जाया करती थी यहाँ से काम करने के लिए, तो यही 3 महीने से घर पे बैठी हुई थी भैया। हाँ जी, 2 साल वहाँ काम किया है, अचानक से हमें बता दिया गया, बताया बुजुर्ग माता पिताओं की जिम्मेदारी अब हमारी है, पहले उन्होंने हमें पाला परवरिश करी, पढ़ाया लिखाया, शादी करी, ठीक है, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम देखेंगे, हम किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो यही करके भैया बस घर से निकले हैं छोटा मोटा कुछ करने के लिए, आगे भी प्लेटफॉर्म पे माँ के हाथ का खाना लेके। भाई ये देखो ये अपनी थाली लगना शुरू हो गई है। मैंने थाली शायद अपने अभी स्टार्ट करी ना, पहले तो आप मतलब पहले हम हाँ। डिस्पोजल में लेके आते थे, तो डिस्पोजल चेंज करने का क्या मेन रीजन था? रीजन ये था कि ना मैं जब खाना ना सर्व करती थी ना, हाँ जी, तो प्लेट ना ऐसे डाउन हो जाती है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही सर्विंग करने में, तो हाँ जी हाँ जी, सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी कि वो तो भैया पे कर रहा है खाने के लिए, है ना। ये प्लेन राइस है, जीरा राइस है? ये प्लेन राइस है। क्या क्वालिटी देखो, मुझे तो बोलने की जरूरत है नहीं, क्वालिटी आप जानते हो, वो तो पता लग ही रहा है। हाँ जी हाँ जी, ये तो है। और आज भरता बड़ा पसंद आता है, देखो भुना हुआ है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा हल्का हल्का, कहीं कहीं काला काला, तो ये ना भुना हुआ है, भूनते नहीं गैस पे, अपन हमारी मम्मिया भूनती है, लहसुन की कलियां डाल के भूनती है मम्मिया, ये हमारी सलबट्टे वाली कंपनी। पैकिंग की सुविधा भी मिलती है यहाँ पे? अच्छा, साथ में पैकिंग भी चल रही है। क्या बात है, ये आपकी 4 रोटियां इसके अंदर आएंगी। तो मैम अगर किसी को आपके खाना ट्राई करना हो तो कहाँ पे आना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको नेहरू प्लेस आना पड़ेगा। नेहरू प्लेस के अंदर कहाँ पे? कंप्यूटर मार्केट। हाँ जी, मेन कंप्यूटर मार्केट में, हम लोग यूनियन बैंक के सामने। अच्छा, तो मैम टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग हमारी 12 बजे से 4। और वो छुट्टी वगैरह भी लेते हैं? कौन से दिन? संडे का ऑफ होता है। हाँ जी हाँ जी, और जो लोग घर का खाना मिस कर रहे हैं, जिन लोगों को घर का खाना नहीं मिल रहा है, जो घर से दूर रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कोई भी मजबूरी है घर से दूर है, तो अपने घर का खाना ऑब्वियस है कि मिस ही करते हैं, बहन का, बीवी का, हाथों का खाना ना, तो हम लोग अपने घर से खाना बना के लेके आते हैं, जिसको घर का खाना खा रहा है, कम मसाले कम ऑयल वाला, वो खाना आपको यहाँ मिलेगा। तो प्राइस क्या रहता है वैसे इस थाली का? प्राइस हमारा सर 3-4 आइटम है, तो अलग अलग प्राइस होता है, जैसे हमारी वेज बिरयानी है वो 40 का हाफ है और 70 का फुल है, राजमा चावल भी हमारा 40 का हाफ है 70 का फुल है, 10 रुपए का हम लोग रायता देते हैं एडिशनल, और बाकी एक हमारी थाली होती है जो स्पेशल थाली है हमारी, वो रहती है 50 रुपीज़। ये जो हमारी सिस्टर लगा रही है ना, हाँ जी, ये हमारी 50 रुपीज़ की थाली है, और इसमें एडिशनल जो होता है वो 10 रुपीज़ का रहता होता है। अच्छा अच्छा, 50-60 रुपीज़ के आसपास। मैम गुड़ भी रखते हैं आप यहाँ पे इसके साथ? खाना खाने के बाद हमारा जो कस्टमर है वो मेहमान है, और मेहमान को बिना मीठा खिलाए हम लोग नहीं खाने देते, तो मैम मेन्यू डेली सेम रहता है या डेली चेंज होता है? भैया मेन्यू हमारा कुछ सेम रहता है, कुछ डेली चेंज होता है, जैसे कि हम लोग एक सब्जी रोज नहीं खा सकते,
वैसे ही हम लोग एक सब्जी रोज खिलाते भी नहीं है। हाँ, ये तो है। हमारा डेली डेली चेंज होता है। हाँ जी, चेंज जो होता है वो सब्जियाँ चेंज होती हैं। तो जैसे आज हम बैंगन का भरता और राजमा लेकर आए, वो चेंज होता रहता है। कभी कड़ी लाते हैं, कभी छोले लाते हैं हम लोग, और घर की हमारी तवा रोटी है। क्या बात है, वही ये देखो, यहाँ पे रहता मिल जाएगा। और आप इनका रहता ट्राई करोगे तो भाई बाकी सारी जगह का रहता भूल जाओगे। जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या हमसे लोकेशन जानना चाहते हैं, या कोई भी क्वेरी है, आप हम लोगों को द गोल्डी पॉइंट पे टैग करके डीएम कर सकते हैं, या कोई भी क्वेरी है आप हमको वहाँ इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यंगस्टर्स से कहना मेरा बस इतना है, हार नहीं माननी है, चलते रहना है। जैसे चींटी चढ़ती है ना पहाड़ पे, चढ़ती है गिर जाती है, चढ़ती है गिर जाती है, चढ़ती है गिर जाती है, वो नहीं गिव अप करती है ना, वो चलते रहती है ना, तो अब एक दिन वो उसको क्रॉस भी करती है। हाँ जी, हाँ जी। है ना, चलते रहो, बस रुकना नहीं है, रुक गए ना, थम गए ना, बस वहीं पे ठप्पर जाओगे, बस जंग लग जानी है। चलते रहो, बस चलते रहो, कभी तो आगे जाओगे, ये तो कभी तो मंजिल पार होगी।